दोस्तों ये है होंडा साइन 125 BS6 2020 मॉडल, यानी कि ये होंडा साइन 2020 मॉडल है और ये BS6 अपडेट के साथ है। यानी इसमें जो आपको इंजन मिलेगा वो BS6 अपडेटेड इंजन है और साथ ही साथ कंपनी ने कुछ इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और सारा चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, मतलब कंप्लीट प्राइस, नई प्राइस BS6 के बाद कितनी हो गई है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके सारे क्लियर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छे लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर रेबल रेड मेटैलिक कलर। इसके अलावा इसके तीन कलर और आते हैं जिसमें ब्लैक और ग्रे मेटैलिक और साथ साथ एथलेटिक और ब्लू मेटैलिक, लगभग चार कलर इसके टोटल BS6 में अभी तक कंपनी ने लॉन्च किए हैं। एक एक करके सारे कलर मैं आपको दिखाऊँगा। पहले यहाँ पर आप ये देखिए, रेड मेटैलिक जो कि रेबल रेड मेटैलिक के नाम से ऑफिशियली देखेंगे आप तो इस कलर का नाम रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत कलर है और उससे ज़्यादा खूबसूरत इसके ऊपर जो स्टिकरिंग करी गई है, ग्राफिक यूज़ किए गए है, वो लगता है। सबसे पहले यहां पे देखिए आपको दो वायर दिख रहे होंगे, ये दोनों वायर CBS के लिए है, यानी कि कॉम्बो ब्रेक सिस्टम। इसमें आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में लगेगा और ये बहुत पहले से देखने को मिलता है। और जो तीसरा वायर लगा था भी आपने देखा, ये एक्चुअली मीटर कंसोल के लिए है, यानी इसी से जो है स्पीडोमीटर जो है आपका गेन कर पाता है, सारी चीजें मीटरिंग हो पाती हैं। फ्रंट में जो टायर मिलता है ये आपको 80/100 का, यानी कि 80/100 का आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। इस चीज को गौर करिएगा, होंडा साइन में पहले भी ट्यूबलेस टायर मिलते थे और अभी भी मिल रहे हैं और CBS पहले भी मिलता था, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि ब्रेकिंग को लेके साइन पहले से ही बहुत अपडेटेड है। यहां पे देखिए आपको पीले कलर का रिफ्लेक्टर मिलता है जो कि रात में जब उजाला पड़ेगा उस पर तो वो रिफ्लेक्ट होता है, चमकता है और हमारी बाइक विजिबल हो जाती है। यहां पर देखिए आपको फ्रंट में जो है आपको हैलोजन बल्ब मिलता है। यहां पर LED जैसा कुछ सपोर्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसका उजाला काफी अच्छा माना जाता है। यहां पर देखिए जो इसके साइड इंडिकेटर है वो आपको सेमी फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे। और जो खास चीज की मैं बात कर रहा था कि इसमें जो ग्राफिक इस्तेमाल किए गए हैं वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे, और देखिए इसी की मैं बात कर रहा था, गौर से देखिए काफी खूबसूरत लग रहे हैं और ये रेड कलर के साथ भी काफी मैचिंग लग रहे हैं। इसके बाद एक चीज और देखिए कि यहां पर आपको काफी बड़ी सी जो है क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर बोल्ड फ्रंट वाइजर काफी खूबसूरत लगता है, काफी बोल्ड लगता है देखने में। यहां पर होंडा की बैजिंग मिल जाती है और जो ये क्रोम का पूरा फिनिश मिल रहा है ये पहले भी मिलता था लेकिन अभी थोड़ा और वाइड कर दिया गया है। यहां पे एक चीज मुझे बड़ी कंफ्यूज की कि जो इसका मिरर है ये आपको प्योर रेड कलर में मिल रहा है। आपका जो पूरी बाइक है ना वो है रेबल रेड मेटैलिक, लेकिन जो आपको मिरर मिलता है वो आपको रेड कलर का मिलता है। यहां पे पासिंग स्विच और लो बीम हाई बीम स्विच सब कुछ एक ही स्विच में इंक्लूडेड है, इस चीज को आप गौर कर लीजिएगा। और इसमें साइड इंडिकेटर और नीचे आपको हॉर्न लेफ्ट हैंडल बार पे मिल जाता है। तो जो इसका मिरर बार है इसके लिए आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। यहां पे देखिए आपको मीटर कंसोल में, यहां पे आपको फुली जो है एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। डिजिटल जैसा कुछ भी कंसोल इसमें अभी भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। एक तरफ आपको स्पीडोमीटर मिलता है और दूसरी तरफ आपको जो है फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स के जो आपको इंडिकेटर्स हैं वो आपको सेंटर में देखने को मिलते हैं, टॉप सेंटर पे। और इसके साथ इसमें आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट भी मिल जाती है। आप गौर से देखिएगा, इंजन मॉल फंक्शन लाइट का वर्क यही होता है कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। ये सभी BS6 मॉडल में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए इंजन किल स्विच का काम ये करता है, इससे आप अपने इंजन को ऑफ भी कर पाएंगे और अपने इंजन को ऑन भी कर पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी स्मार्ट है टेक्नोलॉजी है होंडा वालों की तरफ से। काफ़ी अच्छा लगा कि एक ही स्विच से आप सब कुछ कर पाएंगे, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक है ये लगभग आपको 10.5 यानी कि 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पर होंडा की मस्त जो है क्रोम फिनिश के साथ आपको 3D जो है बेजिंग देखने को मिल जाएगी। और इस ग्राफिक की मैं बात कर रहा था, आप देखिए फ्यूल टैंक से काफ़ी अच्छी ग्राफिक देखने को लग रही है, रेड कलर के साथ काफी उभर के आ रही है। और पीछे का जो ग्रैबरील है वो भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं इसके प्राइस की, गौर से सुनिएगा। इसके दो मॉडल आते हैं, एक डिस्क मॉडल और एक ड्रम मॉडल। ड्रम मॉडल अगर आप लेते हैं तो एक्स शोरूम प्राइस है 68,505 रुपीज प्रयागराज UP इंडिया में, और अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो 73,205 रुपीज इसका एक्स शोरूम प्राइस है प्रयागराज UP में। यानी कि अब मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट ऑन रोड प्राइस की, तो गौर
गौर से सुनिएगा, कहीं लिख भी लीजिएगा। अगर आप इसका ड्रम मॉडल यानी कि सेम यही बाइक लेते हैं तो लगभग 80 से 84 हज़ार रुपये पड़ेंगे आपके नियरेस्ट एजेंसी में, और 80 से 84 मतलब आप अपने हिसाब से बजट सेट कर लीजिएगा। और अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो 84 से 86 यानी कि 84 to 86 thousand में इसका डिस्क मॉडल मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है कैटलेटिक कन्वर्टर, जो कि सभी BS6 बाइकों में देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ी पहचान भी है BS6 की। और इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, जो NOx गैस होती है उसे जो है ऑक्सीजन सेंसर के माध्यम से जो है उसका जो पोल्यूशन की जो डेंसिटी है उसे कम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे इसके बाद इसमें किक और सेल्फ दोनों आपको मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करते चलिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इसके इंजन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, गौर से सुनिएगा आप। 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, इसमें 124cc का इंजन देखने को मिलता है, यानी कि 124cc का इंजन इसमें लगा हुआ है। जो मैक्स पावर मिलेगी आपको वो 7.9 kW की मिलेगी। अगर हम इसे HP में कन्वर्ट करें तो 10.59 HP इसमें मैक्स पावर मिलेगी 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 11 Nm का मिलेगा 6000 RPM पे। और यहाँ पे देखिए आपको कार्बोरेटर पूरी तरह से हट चुका है, इसमें फ्यूल गेज वगैरह चीज़ें नहीं मिलती हैं, सारी चीज़ अब जो है FI पे बेस्ड हैं, यानी कि इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया है। और इससे 15% वो दावा करते हैं कि जो माइलेज है वो 15% हमें ज़्यादा माइलेज पहले से देखने को मिलेगा, तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके बाद मैं एक खास चीज़ और आपको बता दूं कि अब जो है साइन में 5 गियर्स देखने को मिलेंगे। अभी तक वो आपको SP में देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो है साइन में भी 5 गियर जो है कंपनी ने दिए हैं। तो 5वें गियर पे जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो। ये सारी डिटेल हो गई इसके बारे में। अब थोड़ी सी बात मैं इसके डायमेंशन की कर लूँ तो गौर से सुनिएगा कि जो इसका जो इस बाइक की पूरी लेंथ है वो 2046 mm की, इसकी हाइट 1116 mm की, इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 162 mm का मिलेगा, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक ठाक है। और उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो पीछे वाला टायर है ये भी आपको 80x100 यानी कि 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और थोड़ी सी बात मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बता दूँ तो फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको मिलता है हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन। तो चलिए फिर मैं बात कर रहा था इसके डायमेंशन की, तो जो इस बाइक का वेट है ना वो है 114 kg यानी 114 किलो की ये बाइक है। और इसकी जो सीट लेंथ है वो 651 mm की है, और ये एक चेंज में आता है क्योंकि 27mm जो है लेंथ जो है इसकी जो बाइक की जो सीट की जो लंबाई है वो बढ़ा दी गई है पहले से। और प्लस इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच जो कि मैंने आपको बताया 5 गियर्स भी आपको मिल जाते हैं, और FI टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। सीट हाइट इसकी 791 mm है, तो लेने से पहले आप एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा ताकि आप अपने कंफर्ट को बेहतर तरीके से चेक कर पाएँ। और सारी चीज़ मैंने इसके बारे में आपको पूरी चीज़ें बता दी, मैंने प्राइस भी आपको बता दिया है, एक बार और जाके प्राइस जो है सुन लीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। और प्राइस जो है आपके नियरेस्ट एजेंसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अपना एक बजट सेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID DavidRahulGR पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए।